तो आज कोई इंट्रो नहीं है। ये वीडियो व्यूवर्स के ऊपर होने वाली है और कुछ जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनके ऊपर होने वाली है, टोटली वीडियो, ठीक है? क्योंकि लोग मेरे को भी गलत बता रहे हैं हर जगह, ये ऐसे में रोक तो डर गया। व्यूवर्स का दिमाग ना वॉश कर रहे हैं लोग, इधर से उधर भगा रहे हैं व्यूवर्स को, उसको गाली बक रहे हैं कुछ लोग, इसको गाली बक रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मेरे ऊपर वीडियो होने वाली है एंड मेरे सब्सक्राइबर के ऊपर वीडियो होने वाली है, जो भी मतलब मेरी ऑडियंस है या फिर पूरी जनता जो देख रही है उनके ऊपर पूरी वीडियो होने वाली है। और ऐसे दो लोग के नाम बताऊंगा जो इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, एक आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें मैंने बोला था कि दारियल के बारे में मैंने बोला था कि भाई वो बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो देखो, अगर भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो तो भाई उसके लिए भाई सॉरी। दूसरी बात, मुझे नहीं पता था कि आपको उस बात का इतना बुरा लग जाएगा, या फिर मैंने ऐसी कोई गाली आपको दी हो, बट मैंने ऐसे कुछ नहीं दी थी। उसके लिए अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। जो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो पता नहीं यूट्यूब का पता नहीं एक आज तक सा चैनल बना दिया उन्होंने कि इस पर तो न्यूज़ डालेंगे, भाई तुम्हारे पास क्या कंटेंट नहीं है ये बताओ? तुम्हें अगर मेहनत नहीं करनी तो क्यों कॉन्ट्रोवर्सी बना रहे हो ये बताओ यार, क्यों क्यों दुनिया का पागल बना रहे हो भाई? देसी के कुछ ऐसा करके एक चैनल था, मुझे नहीं पता क्या है पूरा चैनल का नाम और ना ही मैं अपने मुंह से चैनल का नाम लेना चाहता हूँ। उस भाई की भी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, शायद उसने वो रिकॉर्डिंग डाले, क्योंकि उस वो अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखाया, वो दूसरों को गलती दिखा रहा है, वो अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा आप लोगों को कि क्या सीन हुआ था टोटली। भाई बीच में कुछ एक अरुण भाई का जो कोई चैनल वैनल है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, आदि भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। आदि भाई ने एक रिकॉर्डिंग आपको अभी नहीं दी होगी, वो शायद मेरे पास पड़ी हो तो मैं देख लूँगा। आदि भाई ने ये चीज़ भी बोली थी कि मैं इस चक्करों में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मेरा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए, गौरव जोन की वीडियो में कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। भाई वो रिकॉर्डिंग शायद तुमने अभी तक नहीं डाली, बट मैं चाहता मैं डाल सकता हूँ, बट मैं कॉन्ट्रोवर्सी आगे क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि एस जे का नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जो आदि भाई है तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, वो तुमने कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, एस जे का नाम नहीं आना चाहिए, तुमने अपना नाम बताया था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग शायद पड़ी हो और मैं ढूंढ के वो डालूंगा शायद, अगर मैं दिखा दूंगा। भाई मैंने उनसे बात करी है, एसजे से भी करी है और उससे भी करी है, रुक जाओ, कॉन्फ्रेंस पे ही है और वो कोई फालतू तरह से बकवास नहीं करेंगे, मैं बीच में हूँ, ठीक है? और हम अपनी तरफ से यहाँ से इधर ये दोनों बंदे अब इस बात में कहीं पे भी नहीं आएंगे, जो हो गया सो हो गया, खत्म बात, कराओ भैया, ठीक है? एक मिनट होल्ड कर। आदि हेलो, अरे आदि भैया एक चीज आप ये बताओ, देखो इस भाई का जो चैनल है काफी बड़ा है, ठीक है, आपको भी पता है भाई के 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, मेरा चैनल तो कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल तो देख कुछ भी नहीं है, उसका ना भी नथिंग। और अगर ये बात रही ना कि मेरे को उससे शॉर्टकट चाहिए, वो भी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी भाई फेसबुक पे मेरा बहुत नाम है, जितना है मैंने अपनी इज्जत से कमाया, बहुत सही करा है, बट लेकिन मेरे को किसी में कूदने की जरूरत नहीं है मैटर में। जैसे तूने वीडियो डाली थी ना सोच के कि वो सही है गलत है, जब गलती अब मेरे को पता चल रहा है, जैसे भाई ने बताया कि यार तो गलती दोनों साइड से है। हाँ वो तो है भाई, आपको ही पता है, तेरे को गाली दी हो तो तू मेरे को बता, तेरे को मैंने फिर इतना बोला भाई अब तू भी निकल ले, कोई बात नहीं, अब तो मूड खराब हो गया, तो देखना हमने भी तो वीडियो पे बोला है कि भाई किसी की मम्मी को गाली मत दो। हाँ ये थी, और अरुण भाई ने ये पता क्या बोला था, देखो आपने अगर स्टोरी देखी हो ना, अरुण भाई ने ये चीज बोली थी कि जाओ उसकी जो नई वीडियो है उस पर कमेंट करो उसको, मुस्कान तूने देखा होगा देख वीडियो पे मैं भी नहीं आ रहा था। हाँ वो तो है, आ रहा हूँ मैं वीडियो पे, ये बता मुस्कान हमें सिर्फ अब ये कहना है, जो मेरे भाई जो बोलेंगे ना एसजे और विवेक एक बार भाई आप बात कर लो, जो होगा ना सराखो भाई, प्यार मोहब्बत वाली बात है ना, खत्म करने वाली बात है, हम प्यार है, तुम जाके सॉर्ट आउट करना तो तुम अरुण से करो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं आएंगे बीच में, लेकिन ये बात आ रहा, मैं सीधे सीधे यही कह रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल रहा, भाईचारे से बात होती है ना। हाँ ये तो है, तो आप मेरी बात सुन, अगर वीडियो में कहीं पे अगर मेरा नाम उछल गया तो बात अलग हो जाएगी, फिर गौरव को इतना बोल दियो कि मैं पीछे हट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, या मेरा एस जे मेरा और विवेक का फिर नाम नहीं आना चाहिए, अब तुम फिर तुम अपनी लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी साइड से सारी वीडियो डिलीट, समझा नहीं दूंगा ये चीज भाई, बात करवा के क्लियर करवाइयो, हम बात करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई तू अपने आप देख लियो मुस्कान सौरभ, हाँ अपने आप देख लियो, तेरे को बता दिया, यहाँ से मैं
ना एसजे ना ये अभी तीनों में से किसी का कोई आगे कोई कुछ नहीं बोल रहा। एसजे वो लोग ने वीडियो बनाई कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बात है वीडियो बनाई ठीक है, पर एटलीस्ट वो दोनों की जगह की सुनता तो। अब गौरव भाई की यार सुनता एसजे ने तो सुन उस वीडियो में नाम भी नहीं लिया, उसने मैसेज बोला कि भाई ये बात हुई है, पैसा लिया था काम करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या कर रहे हैं सारे लोग मसाला छिड़क रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ये कर दूं। तो बात तो वही है, उसने सिर्फ इतना करा यार और क्या बोला है। हाँ तो ठीक है चलो सुनो मेरी बात, अब मेरी बात तो सुन लो भैया। उसने गौरव जोन को एक्सपोज नहीं किया भाई, टाइटल देख लो ना आप, टाइटल देखो क्या टाइटल में क्या यार उसने मैसेज टू यार देखो चलो एक बात है सुन एसजे, टाइटल चेंज कर दियो भाई वीडियो, टाइटल और क्या नाम है यार डियर गौरव जोन, टाइटल चेंज कर दियो गौरव जोन और क्या नाम है डियर गौरव जोन, थंबनेल देखो। अच्छा आपको जरा देखो उस रिकॉर्डिंग को भाई, आदि भाई तुमने चलो मेरे बारे में बोला, चलो मेरी अभी एज 18 इयर्स ओल्ड है ठीक है, मैं मानता हूँ। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि दा रियल से तुम डर गए, तू डर गया भाई, डर गया भाई, डरने वाली कुछ ही बात नहीं है, वो मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं ठीक है, मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ उनको। और अगर भाई देखो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चैनल कौन सा है और तुम कौन सा नाम है, तुम्हारा चैनल का आज तक अभी नाम सुना था, बस वो जो लोग थे वो हमें कॉल पर ये चीज़ बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कि तूने इसका नाम सुना है, इसका फलाना ढिमकाना दारियल टीम को जानता है, उससे भी उस रिकॉर्डिंग से पहले भी हमारी बात हुई थी, वो तुम्हें ही बार बार आगे लेके आ रहे थे कि दारियल टीम हमारे साथ है, ये फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो मैंने इस भी चीज़ में तुम्हें बोला था कि कोई दारियल टीम कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मैंने बोला था। अगर भाई आपको वो चीज़ बुरी लगे तो गाइज उसके लिए सॉरी गाइज, बात ये है कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म भी हो सकती है। अब देखो गाइज आपने एक चीज़ देखी होगी, जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है किसी के चैनल पे कुछ नहीं आ रहा है, गौरव जोन एक्सपोज गौरव जोन ये, एसएम रॉक्स ये, फलाना ढिमकाना, भाई क्या गाइस मैं अपनी ऑडियंस से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या ये कंट्रोवर्सी देखना चाहते हो, आप रिकॉर्डिंग ही सुनना चाहते हो, या फिर आप मेहनत का कंटेंट देखना चाहते हो? क्योंकि देखो दारियल भी बहुत अच्छा अपना कंटेंट बना रहे हैं ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं और रियलिटी दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी बात है, कोई क्लिकबेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा मज़े पता है किसने लिए हैं? वो है एक एसजे नाम का कोई बंदा है ठीक है, और एक आदि नाम का कोई बंदा है। भाई आदि भाई देख बुरा मत मानियो मेरी बात का, बट तू इन चीज़ों का भाई बढ़ावा पूरा पूरा तू ही दे रहा है, और भाई तेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भाई देख मैंने सुना दी है उसके लिए भाई सॉरी, बट तूने भी भाई मेरी रिकॉर्डिंग डाली इसलिए मैंने तेरी भी रिकॉर्डिंग डाली। ऐसे भाई तू सोच रहा होगा अगर मैं रिकॉर्डिंग डाल के मैं एक्टिवेट सब्सक्राइबर ले लूँगा, भाई एक्टिवेट सब्सक्राइबर्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मैंने भी एक साल मेहनत करी है और जब जाके मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। भाई अगर तेरे में दम है कंटेंट बना और 50,000 सब्सक्राइबर कर दिखा ठीक है, जब मैं मानूंगा हाँ भाई तूने मेहनत से कमाए हैं सब्सक्राइबर्स। भाई इस बात रही अरुण भैया की, तो अगर अरुण भाई के साथ गलत हुआ है, सच में गलत हुआ है, तो भाई तू भाई कोर्ट में जाओ, तुम केस कर सकते हो, बहुत चीज़ें तुम्हारे पास है, जाओ सबूत दिखाओ जाके पुलिस वालों के पास कि मेरे पास ये सबूत है, मैंने इसको 1,00,000 रुपये दिए हैं, मेरे से वापस दिलाओ, तुम जा सकते हो कोर्ट में यार बिल्कुल। और हाँ काफ़ी लोग बोल रहे थे तुमने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, एसएम रॉक्स क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हो लोगों का, लोग तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं। हाँ मुझे पता है गाइज कि देखो पता क्या मेन बात ये होती है, लोगों को चाहिए होता है मसाला, जो पब्लिक होती है उनको चाहिए होता है मसाला, और इनके पास कंटेंट तो रहे नहीं ठीक है, कंटेंट नहीं रहे तो वो ये सोचते हैं कि इसके पास कॉल कर लें, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, इसके पास कॉल करो, हमारे पास कंटेंट नहीं है भाई, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे फिर हम यूट्यूब पर डालेंगे। यूट्यूब के एक आज तक चैनल बना दिया इन्होंने। भाई यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ठीक है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, लोग आप अच्छी चीज़ें समझा सकते हो, लोग आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि तुम उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी दिखाओ, भाई मेहनत करो, मेहनत से तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। बट नहीं, अगर तुम्हें मेहनत नहीं करनी रिकॉर्डिंग दिखानी तो भाई दिखाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमें। बस मेरा गाइस ये रिप्लाई इसलिए था छोटा सा। और हाँ एसजे भाई आपके लिए तो स्पेशली मेरा रिप्लाई है, शायद आपको पता होगा जो आपकी वीडियो 2 मिलियन पार जा रखी है, एक व्यूज़ दो जिसपे 2 मिलियन व्यूज़ है, उसका जो शॉप का ऑनर है उसकी भी आपको वीडियो दिखा दूंगा, अगर मेरे को कोई पॉक करता है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा नीचे गिराने में ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ़ पूरे पूरे सबूत पड़े हुए हैं, मैं उस ओनर से पूरी वीडियो बनवा दूंगा कि तुमने उसके साथ कितना गलत किया है ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, अगर सब गलत है भाई तो गलत तू भी है ठीक है, ये तो साफ मैं बता रहा हूँ। और हाँ गाइस आपको एक बात और बता दूँ, जो भी इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर घुसा है ना, वही बंदा घुसा है जिसके व्यूज़ नहीं आते 1,000 से ऊपर भी, वही जा रहे हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है अब चाहिए पब्लिक को मसाला, अब हम अच्छा अच्छा थंबनेल बनाएंगे, अच्छे अच्छे टाइटल देंगे, लोग हमारी वीडियो से देखेंगे, व्यूज़ आएंगे और एक्टिवेट सब्सक्राइबर हमारे बनेंगे। बट तुम्हारी ये बहुत ज़्यादा गलत सोच है, एक्टिवेट सब्सक्राइबर्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि तुम्हारे बस की है नहीं भाई,
ठीक है, मेहनत करो, मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत करके पहुँचाऊँ। अगर गौरव जोन वहाँ तक पहुँचा है, वो भी बंदा मेहनत करके पहुँचा है, मैं कोई गौरव जोन की बढ़ाई नहीं कर रहा या फिर मैं गौरव जोन की सपोर्ट में नहीं बोल रहा, जो रियल चीज़ है वो चीज़ डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। रही कि जब मुझे रियल टीम का कॉल आया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ एस एम रॉक्स, मैंने बोला हाँ जी, आपने ऐसे रिकॉर्डिंग में सुन ही लिया होगा। तो जब कोई दो बंदे आप पे एकदम चढ़ चढ़ के बात कर रहे होते हैं तो भाई बंदे की आवाज़ नहीं निकलती, ये चीज़ रियल है, और ना ही मैं लड़ाई झगड़ों में पड़ता हूँ बिल्कुल भी। उन्होंने भी गाइज मेरे से प्यार से बात करी। अब भाई देखो, जाट और गुजर ना ऐसी बात करते हैं, क्योंकि मेरे भी दोस्त जाट गुजर हैं, हम भी मतलब इन सोसाइटीज़ में हम भी बैठते हैं, हमें पता है कि कैसे कौन बात करता है, क्योंकि इनकी भाषा एक ऐसी ही रहती है। दूसरी बात, उन्होंने गाइज मेरे को गाली नहीं दी, अगर आपने रिकॉर्डिंग ढंग से सुनी हो तो उन्होंने मुझे गाली बिल्कुल भी नहीं दी। उन्होंने गाली दूसरे बंदे को दी, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी हो तो, मेरे को नहीं दी। उन्होंने बस मेरे को ये समझाया था कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप एक ऐसी छोटी वीडियो बनाओ और उसको डालो, बात यही हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी मेरे बारे में। तो मैंने अगर मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बोल भी दिया है, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी। जो देसी के बंदा जो है उसने पिन किया हुआ है कमेंट एस जे व्लॉग का, कि एस जे व्लॉग ने भी उसके अंदर कमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि एस एम रॉक्स की पता नहीं कुछ करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है। भाई मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बेमतलब के प्लस शामिल मत करो, मुझे अपनी पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यारी है, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मैं अपनी पब्लिक के लिए कंटेंट बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा, और मुझे मेहनत करनी अच्छी लगती है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने किसी से अभी तक मदद नहीं ली है, ना ही मैंने किसी से अभी तक कोलैब किया है, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपनी मेहनत से ही 1 मिलियन पर पहुँचूँगा, ठीक है। मैं अपनी मेहनत से 50,000 पहुँचाऊँ तो अपनी मेहनत से मैं 1 मिलियन भी क्रॉस कर सकता हूँ। तो भाई आप भी मेहनत करो, ये रिकॉर्डिंग वोट डाले कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको तो मैं एक आज तक का चैनल बना रहे हो भाई, न्यूज़ चैनल बना रहे हो, यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पर कंटेंट देने आते हैं लोग, बट पता नहीं भाई कंटेंट से तुमने एक कॉन्ट्रोवर्सी बना दिया उसको। और हाँ एस जे भाई, इस पे मैं मोनेटाइजेशन ऑन करूँगा, और जो इसके पैसे बनते हैं ना, शायद आपने भी किसी के लिए बोला था कि भाई इतने पैसे बनते हैं मुझे बता दियो, मैं पेटीएम कर दूँगा, तो भाई इसके जितने बनते हैं ना मुझे बता देना, पेटीएम कर दूँ। हाँ एस जे भाई, तुमसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर तुम चाहते तो इस कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास कॉल इसलिए किया था, इस चीज़ को शॉर्ट आउट हो सकती थी चीज़ें, बट तुम्हें चाहिए तो मसाला, तुम देना चाहते हो पब्लिक को मसाला कि पब्लिक क्या देखना चाहती है, रिकॉर्डिंग सुनेगी, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, पैसे आएंगे बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे पास कंटेंट तो रहा नहीं भाई। और एस जे कर रहा था मेरे को पॉक, ठीक है, और मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद हज़ारों वीडियो बनेगी भाई, बनाओ बेशक बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ रही बात एस जे की, एस जे को अगर अरुण की बहुत मदद करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था तो बंदा अपनी वीडियो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं करता, वो करता अरुण के चैनल पर आकर के अपने ओपिनियन सबके साथ सामने रखता वो, कि हाँ ये बंदा गलत है, मैं अपने तू पर भाई तूने ऐसा कुछ नहीं करा, तूने डाली अपने चैनल पे वीडियो, उससे तेरे व्यूज़ आए, ठीक है, तेरे को और मसाला मिला, अब तू तूने सोचा कि और रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, और रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, और रिकॉर्डिंग चाहिए, फिर बंदा दोबारा किसी के पास कॉल करता है, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करने वाला, फिर अपने चैनल पर अपलोड करता है, दूसरी वीडियो भी 70K व्यूज़ पर जाती है, फिर तेरे को लगता है नहीं भाई अब तीसरी वीडियो भी डालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ढूंढो यार इस बंदे को बदनाम करना अच्छे तरीके से, हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, हमें पैसा मिलेगा अच्छा खासा, हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, हमें पैसा मिलेगा अच्छा खासा, वीडियो तीसरी भी आती है। अब ये सोच रहा होगा बंदा भाई, अब भाई देख तुम्हारे पास, मुझे तो पता है, पब्लिक को पता है ना पता वो भाई, तुम्हारे पास कंटेंट तो रहा नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से भाई तुम हर चीज़ में भिड़ो, हाँ मैं कहता हूँ भाई मेरे से मेहनत में भिड़ो, साफ बात है, मेहनत करो, एडिटिंग में आओ, हर एक चीज़ में आओ, मेहनत पे भिड़ो और ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ, ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्सी मत पालो भाई यहाँ पर। और गाइज मेरे को करनी है मेहनत अपनी पब्लिक के लिए, जो मेरी ऑडियंस मेरे को देख रही है मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आएगी जिसमें मैं किसी का रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने हेटर्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है। मेन मोटिव यही था, आपको थोड़ी चीज़ें समझानी थी कि मैं किसी से डरा नहीं था, या फिर मैं किसी से उसमें नहीं था कि मैं डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को अगर मैंने वो चीज़ गलत बोली है तो उसके लिए सॉरी बिल्कुल बनती है, और मैंने उस चीज़ के लिए सॉरी मांगी, और अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो भाई सॉरी। और तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आपको दिखाई दी है, आपने भी कह रहे थे, आपने भी आदि भाई ने भी मेरे से यही चीज़ बोली थी, आदि भाई आपके पास वो रिकॉर्डिंग हो तो ढंग से सुनाओ उसको, आपने ये बोला था कि मैं अरुण के साथ नहीं हूँ, मुझे मतलब इस चीज़ में नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ बोला था आपने। और इसके बाद मेरी अब कोई वीडियो नहीं आएगी रिप्लाई वाली, जैसा मेरा कंटेंट आता है वो आता रहेगा। सो भाई, और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना दबा के, मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
वीडियो शेयर करो, हर जगह पहुँचा दो, मेरा रिप्लाई आ चुका है। मेरा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था इसको, मैंने जो चीज़ गलत बोली थी उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली अपनी, जो कि करनी भी चाहिए थी, ठीक है। हाँ एस जे भाई, आपसे मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इस वीडियो से जो भी पैसा आएगा बता देना, पेटीएम कर दूंगा और शायद मैं उसके डबल ही करूँगा आपको पेटीएम भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है इसको। तो मिलते हैं अपने नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, लव यू ऑल।